अहमद शहबाज शरीफ सिदके दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ कि मैं मुसलमान हूँ रोज़े क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुक्तदियात व तालीमात पर ईमान रखता हूँ रोज़े क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुक्तदियात व तालीमात पर ईमान रखता हूँ बजुज़ जबकि बहसियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ की कमा हक़ हो अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। ऐवान सदर में नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की हल्फ उठाने की तकरीब सदर ममलुकत आरिफ फलवी ने शहबाज शरीफ से हल्फ लिया चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाक फिजाइया और बहरिया के सरबराह खान तीनों सूबाई वज़रा आला की शिरकत नवाज शरीफ आसिफ जरदारी हमजा शहबाज सुलमान शहबाज और दीगर भी शरीक हुए। पंजाब में नमूनिया मजीद दो बच्चों की जिंदगियां निगल गया लाहौर में नमूनिया से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई सूबा भर में 345 लाहौर में 44 नए केसेज आए लाहौर में रवां साल नमूनिया से 73 हलाकतें और 8189 केसेज रिपोर्ट। नमूनिया के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करारदाद मुस्लिम नून के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई करारदाद में बच्चों को नमूनिया से बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का मुतालिबा। माह रमजान से कबल महंगाई का तूफान सब्ज मसाला जाती कीमतों में खुद साख्ता इजाफा लहसुन 680 अदरक 620 सब्ज मिर्च 310 प्याज 260 टमाटर 140 रुपए किलो सब्जियां और फल मुंह मांगे दाम फरोख्त बैंगन 120 मटर 110 फूल गोभी 100 आलू 90 रुपए किलो अनार 980 खजूर 600 सेब 400 अमरूद 190 रुपए किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआती खरीदारी जेब पर भारी मुर्गियां गोश्त 583 रुपए किलो तक फरोख जिंदा ब्रायलर होलसेल 387 परचून रेट 402 रुपए किलो मुकर्रर एक दर्जन अंडे खरीदने के लिए 249 रुपए दरकार मार्केट में अंडों की पेटी 7350 रुपए में फरोख। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ का वैलेंशिया टाउन के करीब कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान मरियम नवाज़ का मुजवजा साइट का दौरा वज़ीर-ए-आला पंजाब को कैंसर हॉस्पिटल की साइट बारे ब्रीफिंग दी मरियम नवाज़ की कैंसर हॉस्पिटल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन डॉक्टर्स बुलाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल वाहदत कलोनी का दौरा मुख्तलिफ क्लासरूम्स लाइब्रेरी बायोलॉजी लैब और स्पोर्ट्स रूम का मुआयना किया मरियम नवाज़ ने तालिबात से तालीमी सरगर्मियों बारे दरियाफ्त किया वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ ने क्लास दहम के इम्तिहानी मरकज का भी दौरा किया वज़ीर-ए-आला ने बच्चियों से स्कूल में दरपेश मसाइल बारे पूछा। सही सही बताओ अच्छी है कान में बताओ अगर सबके सामने नहीं बता सकती नहीं अच्छी है अच्छी है ये कौन सी क्लास है एट जी इसकी कॉपी दिखाओ मुझे जो आपकी नोटबुक है वो कहाँ मेरे यहाँ की पढ़ाई के कोई प्रॉब्लम है तो बताओ नहीं बिल्कुल इम्प्रूवमेंट कहाँ कर सकते मुझे तो ये परफेक्ट परफेक्ट लगता है आपको। अमीर बलाज कत्ल केस की तहकीकात ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने तीफी भट्ट को मरकजी मुलजिम करार दे दिया डीआईजी इमरान किशोर कहते हैं शवाहद के मुताबिक अमीर बलाज को तीफी भट्ट नहीं कत्ल करवाया मुलजिम के रेड वारंट का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका तीफी भट्ट को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वफाक के बाद पंजाब में भी सियासी महाज गर्म करने का फैसला कारकुनान की गिरफ्तारियों अमन अमान और महंगाई की सूरत हाल को ऐवान में जेर बहस लाया जाएगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी असम्बली कायद जवाबत के मुताबिक स्पीकर अपोजिशन की दरख्वास्त पर 14 रोज़ में इजलास बुलाने के पाबंद हैं।
अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने मरकजी मजलिस आमला का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज शाम 5 बजे मंसूरा में होगा। मरकजी और सूबाई जिम्मेदारान और दीगर शहरियों की क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में धांधली के खिलाफ आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। हम अपने मुल्क के बारे वैसे नहीं सोचते जैसा हक है। ताजर बरादरी टैक्स सिस्टम का 50% हिस्सा है। हमने अफगानिस्तान अशिया की बरामद पर बैंक गारंटी की शर्त आयद की। FBCCI में साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का शुरुआत से खिताब। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में सादिक संजरानी और इलेक्शन कमीशन दीगर को फरीक बनाया गया। सादिक संजरानी बेअकमक 2 सीटें नहीं रख सकते। हाई कोर्ट से सादिक संजरानी को बतौर चेयरमैन सेनेट काम करने से रोकने की इस्तदा। औरत मार्च को रुकवाने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त को खारिज कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। ऑर्डर के मुताबिक जूता तैयार न करने पर शहरी अदालत जा पहुंचा। अनारकली के दुकानदार के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। शहरी की 2,10,000 रुपये देने का हुक्म देने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकला को इब्तदाई बहस के लिए तलब कर दिया। कम उम्र बच्चियों की शादी के कानून पर अमल दरामद का मामला। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह की सरबराही में अहम इजलास। कम उम्र बच्चियों की शादियां रोकने के लिए SOPs से मुतल्लिक गौर किया गया। जस्टिस इनवारुल हक ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की सरबराही में कमेटी कायम की थी। आज ही पंजाब से इशरा वाक़े के हीरोज़ की मुलाकात। उस्मान अनवर ने SP इब्तिदा कुमैल, ASP शहरबानो, SHOs डॉल्फिन समेत पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहा। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मुतल्लिका ऑफिसर और अहलकारों को अवार्ड्स देने का ऐलान। जेलों में कैदियों के लिए स्मार्ट यूटिलिटी स्टोर कायम। कैदियों को चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी मसनूआत, साबुन समेत दीगर अशिया मिलेंगी। कैदी बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए ऑनलाइन अदायगी करेंगे। ट्रैफिक पुलिस का ई चलान ना दहिंदगान के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। ई चलान ना दहिंदा को ड्राइविंग लाइसेंस, कलेक्टर सर्टिफिकेट समेत दीगर सहूलियात नहीं मिलेंगी। कार्रवाई के लिए सेफ सिटी पुलिस के दो मराकज, ड्राइविंग लाइसेंस, इश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम को यकजा कर दिया गया। पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए नई मुश्किल। लाहौर में रीजनल पासपोर्ट दफातर के सर्वर में फनी खराबी। लिंक डाउन होने से पासपोर्ट का इजरा रुक गया। डाटा इंटर न होने से सबको परेशानी। उमरा और हज पर जाने वाले अलग परेशान। सुबह दे आए हैं, 7 बजे इतने पहुंच गए। कागज कुगज पुर कराए ने, बैंक च पैसे जमा कराए। तो हूँ इतने जिन्होंने भी पुछीदा होता जी, कोई पता नहीं सिस्टम कदों आना। तो अं ठहर जी गए जी, पता हो तो वहाँ से कोई पता नहीं। इंतजामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिस्टम बंद है और पता नहीं कब खुलेगा। वेट करना है, वेट कर लें, जाना है तो वापस चले जाएं। ये सिर्फ ना इनके पैसे बनाने के ढंग हैं। नॉर्मल की भी फीस जमा होती है, प्रिंटिंग की उतनी कॉस्ट है, अर्जेंट की भी उतनी कॉस्ट है। लोग मजबूरन अर्जेंट की फ़ीस जमा करवा रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल डिले बहुत कर रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक फ़ीस जमा करवाई है 10,000 रुपया, ठीक है। उसके लिए भी इन्होंने कोई विंडो नहीं रखी हुई। जलालत वही है। साफ पंजाब प्रोग्राम के तहत इंतजामी मशीनरी मुतहरिक। वॉल चौकिंग, तजावजात का खात्मा, पैच वर्क पर काम जारी। कमिश्नर लाहौर ने मंडियों में फल और सब्जियों की नीलामी के औकात तलब कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के फाल होने से मुतल्लिक रिपोर्ट मांग ली गई। साफ पानी की मद में 1.5 अरब रुपये पर पानी फेर दिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे 282 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल। मुख्तलिफ इलाकों के रहायशी साफ पानी की सहूलत से महरूम। कमिश्नर लाहौर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल होने पर इंतजामी ऑफिसर पर बरहम।
पाकिस्तान रेलवे की रिकॉर्ड आमदन 8 माह में रेलवे ने 50 अरब रुपए कमा लिए। तर्जुमा रेलवे के मुताबिक साल के इख्तिताम तक 80 अरब तक आमदन मुतवक्क है। गुज़िश्ता साल ये आमदन 32 अरब रुपए थी। रिकॉर्ड आमदन पर CEO रेलवे ने तमाम ऑफिसर्स की कारकर्दगी को सराहा। मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे 35 मिनट, मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर का शिकार। कराकरम एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन भी वक्त पर ना पहुंच सकी। ट्रेनें लेट होने पर मुसाफिर परेशान। मारूफ गुलकार और कई किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर अमजद परवेज़ इंतकाल कर गए। शादमान में नमाज़ जनाजा अदा। डॉक्टर अमजद परवेज़ के इंतकाल पर शोबिस से वाबस्ता शख्सियात का इजहार अफसोस। डॉक्टर अमजद परवेज़ पेशे के एतबार से इंजीनियर, कई उर्दू और अंग्रेज़ी किताबों के मुसन्निफ और सिंगर थे। मौसम की गड़ाई से जाती सर्दी फिर लौट आई। हालिया बारिशों और याला बारिश से मौसम सर्द। ठंडी हवा चलने से टेम्परेचर में नुमाया कमी। शहर का कम से कम टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।